आत्मा निकालेगा। दोस्तों राम राम। रायल पिक्चर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 3 दिन बाद ये मूवी सिनेमा घरों में आने वाली है। मूवी बहुत अच्छी होगी। मूवी कई भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पर इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मूवी धनुष की 50वीं मूवी होगी और उसके डायरेक्टर और राइटर और एक्टर धनुष ही है। तो पहले उसका जो ट्रेलर आया है ना, उसको हम देख लेते हैं। सन पिक्चर रायन, जंगल में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा होता है पता है? शेर होता है। जंगल में सबसे ताकतवर शेर हो सकता है, लेकिन उससे बुद्धिमान होता है लकड़बग्घा। शेर और लकड़बग्घे की सीधी लड़ाई में शेर जीत सकता है, लेकिन चालाकी में लकड़बग्घा तेज होता है। लकड़बग्घे झुंड में आकर शेर को घेर के उसे मार सकते हैं। अगर वो इतना बड़ा मर्द है, इतना ताकतवर है, तो यहां आकर वो आएगा। वो दिया साय की तरह आएगा, आत्मा निकालेगा। उसने कंप्लेंट वापस ले ली। याद कर रहे हमने क्या किया? गिड़गिड़ाए। तुम ही तो मेरा जीवन हो, अब साथ हमारे रहना। एंड मूवी का जो ये ट्रेलर आया था, ये 1:49 का था, लमसम 2 मिनट का था, पर ट्रेलर बहुत अच्छा था। रायन धनुष बने हुए जो छोटे होते हैं और उनसे वो सवाल पूछते हैं कि तुम्हें पता होता जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? वो कहते शेर। कहते नहीं, लकड़बग्घा, क्योंकि लकड़बग्घा झुंड में आता है और शेर को घेर लेता है और शेर को मारता है। हर इंसान ये सोचता है कि शेर बहुत ताकतवर होता है। इसमें लकड़बग्घा बनाया है रायन को, मतलब धनुष को। उनके साथ ऐसा क्या होता है ये हमें मूवी में देखने के बाद पता चलेगा कि उनके अंदर देखने में शांति है, पर जब वो शांति में ही अशांति भंग करता है ना कोई उनकी, तो फिर वो कितनी बुरी तरीके से सबको मारते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ खून खराबा दिखाया गया। शुरू में दिखाया जाता है कि बाल्टी में पानी डाल रही होती है और खून बह रहा है पूरे शरीर से उनके, नहा रही उनको, वो नहा रहे होते हैं। बहुत साइलेंट दिखाए जाते हैं जब वो पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा क्या किया तुमने जो उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली? तो वो कहते हैं कि मैं गिड़गिड़ाया उनके सामने, मतलब उनका ये नहीं था कि मैंने उनको मारा, पर वो याद वही बातें कर रहे थे। तो ये जो रायन मूवी का ट्रेलर था ना, ये बड़ा खतरनाक ट्रेलर था। वैसे भी धनुष की जितनी भी मूवी आती है ना, खतरनाक ही होती है। वो शांत दिखते हैं, पर जब वो मारते हैं ना, तो कहाँ कहाँ से आदमी के क्या क्या निकलता है ना, ये तो सिर्फ मूवी में देखने के बाद ही पता चलता है। और फिर हम लोगों के तो सिर्फ मुंह से सीटी निकलती है कि क्या मारा है। बहुत एक्शन से भरी, बहुत लड़ाई दंगे से भरी हुई मूवी होने वाली। इसमें स्टोरी कुछ नहीं समझ में आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, पर हाँ ये विलन और हीरो की कहानी दिखाई गई। इसमें आपके साथ आपको धनुष के साथ संदीप किशन, कालिदास जयराम, एस जे सूर्या, वरलक्ष्मी, शरद कुमार और अपर्णा, इतने लोग देखने को मिले ट्रेलर में। आगे और मूवी में कितने लोग देखने को मिलेंगे ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत जल्द आ रही है, 26 जुलाई 2024 को ये मूवी सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। मूवी बहुत दमदार होगी। एक तो साउथ की मूवी है और अभी हम पूरा साउथ घूम के आए हैं। हैदराबाद भी गए थे रामू जी फिल्म सिटी देखने के लिए, उसका वीडियो भी हम डालेंगे अपने दूसरे चैनल पर, पूनम निषाद ब्लॉग पर, आप देख सकते हैं।
तो रायन मूवी का जो ट्रेलर है वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वादी इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।